लेट्स स्टार्ट. ओके सो मैम, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग सवालों का सिलसिला. सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला. उनको मत देखिए, कैमरा यहां देखिए. ओके हां यस मैम, पहले से स्टार्ट करिए. पहले क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा अगर उस बारे में हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर दें आप, उसके बाद हम लोग सवालों का सिलसिला. देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे लिए कीमती समय निकाला. और दूसरा ये कि मामला तो आप लोगों को मालूम है कि गाड़ी का मैटर है मेरा, और मैं 1.5 साल से भाग रही हूँ. 9 महीने से तो कंप्लेंट के लिए मैं परेशान थी, किसी ने मेरी कंप्लेंट भी नहीं ली. अभी विशाल ठाकुर जी हैं, DCP हैं हमारे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मेरा विद इन 10 सेकेंड में मेरा केस सोल्व किया. जो 9 महीने से दर्ज नहीं किया जा रहा था, 9 महीने से मेरा दर्ज नहीं किया जा रहा था. अभी आप पूछिए, क्या पूछना है आपको मैम? क्या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से केस दर्ज नहीं किया जा रहा था, या फिर क्या क्या जवाब दिए जा रहे थे उनकी तरफ से, अगर उस बारे में बताएं? अभी ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं केस दर्ज कराने जब मैं पहले 2 बार गई तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे. 3rd बार जब जिशान उसके सामने आया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, और मुझे पुलिस स्टेशन से बोल दिया आपका पर्सनल मैटर है, आप बाहर जाके बात करिए. वहाँ से मेरा मैटर क्लोज हो गया था, मैं चुपचाप वहाँ से आ गई. सेकंड थिंग कि वो फिर ओशीवारा से मुझे फ़ोन आने लगे. अब आप ये बताइए कि मैं मलाड में रहती हूँ, वो गोरे गांव में रहता है, तो मेरा ओशीवारा से क्या लेना देना है? वहाँ से मुझे इतना प्रेशर था हर चीज़ का, नहीं आप इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चों को धमकी आ रही है. मैंने NC तक कराई हुई है उस पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई एक्शन हुआ ही नहीं. फेक कॉल भी आए हैं बहुत सारे कि पुलिस, मैं पुलिस हूँ, आप आओ हमें स्टेटमेंट दो, तो वो फेक कॉल था. हम लोग ने उसकी भी NC डाली हुई है, जिसकी कॉपी हमारे पास है अभी, तो फेक कॉल भी उन्होंने बहुत कराई हमारे पे, और धमकी दिलवाई अलग अलग फ़ोन कॉल करके. नए नए नंबरों से फ़ोन आते हैं, धमकियाँ आ रही हैं कि आपको उठवा लेंगे, ये करवा लेंगे, ये कर देंगे. रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग, सारी रिकॉर्डिंग है, सारी पेपर मैं आपको है, सारे प्रूफ. छोटी सी रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ, जो अपने माननीय अमर पाटिल साहब हैं, आप उनका सुन लीजिए, और फिर मैं उसके बाद बात करूँगी. सुना दे बूम की बात करिए. ये अपने अमर पाटिल साहब हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि जिशान के घर पे कौन गया था. आप एक बात बताइए, वो मुझे नहीं जानते, वो जिशान का नाम पूछ रहे हैं, जिशान को नहीं जानते. आप कोई भी अननोन पर्सन आ रहा, तुम कैसे किसी को फोन कर सकते हो? हमें डायरेक्ट फोन कर दिया और वो उनके पास जाके बैठे, और वो उनको जानते नहीं, ऐसा हमें दिखा रहे हैं. नहीं है आपको, आज मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस बंदे को फोन कर दो, क्या आप फोन करेंगे? आप मुझे नहीं जानते, आप सामने वाले को नहीं जानते, आप कैसे किसी को फोन कर सकते हो? जी मैं आगे सुनाता हूँ. उन्होंने 8 बजे मुझे रात को पुलिस स्टेशन बुलाया, 8 बजे बोलते जिशान मेरे पास बैठा. मैंने बोला सर इसका मैटर खत्म करो, मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, अगर जिशान आपके पास आया तो ये मैटर यहीं खत्म कर दो. उन्होंने क्या बोला कि ठीक है आप आ जाओ. 8 बजे रात को मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, और मैं जैसे ही वहाँ गई उन्होंने उसको निकाल दिया वहाँ से. जबकि लेडीज को तो इतना लेट बुलाते नहीं है, और अगर बुलाते तो कुछ बड़ा उन्होंने जुर्म किया होगा, तो इसलिए बुलाते हैं. अगर नॉर्मली ऐसे लेडीज को 8 बजे के बाद बुलाते नहीं, ये रूल है, वो सबको मालूम है हम लोग को. अभी इसमें आप बताइए, अभी हैरेसमेंट नहीं है तो क्या है, आप ही सोच सकते हैं. आई एम सिंगल मदर, मेरे 2 बच्चों के साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ. कल मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ कुछ होता है तो फिर मैं क्या करूँगी? इसको जिम्मेदार कौन होगा? या मेरी जान से बढ़ के तो मेरे लिए गाड़ी नहीं है ना. और मैम अगर गाड़ी की बात करें तो कब वो लेके गए थे, और कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसे भी ऑफर किए थे, 13 लाख रुपए, ऐसा कहना है उनका, अगर कुछ कहना चाहे? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऑफर नहीं था. ये गाड़ी 2021 को 22 जून को लेके गया था मेरे से चैनल की मीटिंग के लिए. मेरे पास सारे एविडेंस है चैनल. ये हैं चेक जो उन्होंने दिए हैं, ये 19 लाख रुपए के चेक है. ये 19 लाख रुपए के चेक हैं, और इनमें जब हम लोग ने चेक कराया, एक तो सेल्फ चेक है जो कि जो अकाउंट होल्डर है वही उसमें से पेमेंट विड्रॉ कर सकता है, दूसरा उन्होंने किसी दूसरे अकाउंट का दिया जिस अकाउंट में हम कभी पेमेंट लेते नहीं है. और जब हम लोग ने चेक कराया तो इसमें इनसफिशिएंट फंड बताया गया,
तो इसलिए हम लोग ने ये चेक डाले नहीं, तो बाउंस होके फिर वो कहीं और दूसरे एड्रेस पे चले जाते जो हमारा बैंक में पुराना एड्रेस है। नहीं, 6 मंथ से इसमें पेमेंट था ही नहीं, और आज जो कोर्ट में लगाया वो पुलिस वालों ने भी वेरीफाई किया उन्होंने, पेमेंट था ही नहीं उसमें, वो चेक दिए हुए इसमें। गाड़ी बेचने की बात तो यहाँ थी नहीं ना? जी जी, गाड़ी लेके गए थे वो। जी, फिर आपको चेक क्यों दिए उन्होंने? चेक इसलिए दिए सर कि उसने, मैंने जब गाड़ी मांगना शुरू किया तो उसने बोला कि गाड़ी मैंने, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम थी तो मैंने 12 लाख में किसी को दे दी, भाईचारे में 12 लाख में दे दिए। अब वो पैसे नहीं दे रहा है और वो 12 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझसे, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो मेरे 12 लाख दे दो, और मेरे पास 12 लाख है नहीं, तो आप ये चेक ले लो, तो आप ये चेक ले लो। तो उसके पास 12 लाख नहीं थे, 19 लाख कहाँ से आए? और ये 1 महीने बाद की डेट के चेक दिए थे उन्होंने, एक्चुअली में 15 दिन या 1 महीने बाद की डेट दी थी, तो हमें लगा उस टाइम पे शायद इनके पास पैसे आ जाए, इसलिए हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिए थे। और ये इसकी वाइफ प्रियंका बसी और ये दोनों आते थे, बोलते थे यहाँ के बैठे हाथ जोड़े कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, अब हम इंडस्ट्री में सब, मतलब गाली देके इसने बात किया, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी कि सब ऐसे हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने इसको बोला और घूम ले मार्केट में, तुझे घूमना है तो घूम ले, लोगों को देख ले कैसे, क्योंकि जतीन शेट्टी जी का 1.5 करोड़ का ऑलरेडी इसके पास FIR चल रहा था उस टाइम पे। फिर भी मैंने इसको बोला, मैंने भी बोला कि तुम ये मेरा मैटर सॉल्व कर दो, गाड़ी मुझे दे दो। तो इन्होंने क्या बोला, किसी को फ़ोन लगा के दिया, एक बार ये मिला तो इसने फ़ोन लगा के दिया, कोई लाला नाम का बंदा था उसने, मैंने उसने बोला मैडम, मैंने बोला भैया गाड़ी कहाँ है मेरी, तो बोलता है कि गाड़ी तो मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, तुम्हारी गाड़ी नहीं मिलेगी, उसकी ये वर्डिंग थी। आपकी गाड़ी बैंगलोर में मैंने बेच दी, ऐसा बोला उन्होंने, बेच दी, आपको जो करना है आप कर लो। जीशान ने हमें बताया था, मोदी जी से अमित शाह जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगी, जब उनके आने पे गाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ, मैं कहाँ, फिर किसके पास जाऊंगी। जीशान ने हमें बताया था अंधेरी में किसी के पास गिरवी रखी है 12 लाख में, फिर कुछ दिनों बाद जब वो हमें मिला तो किसी से फोन करवाया, जो लाला नाम का बंदा इन्होंने बताया, उसने बोला हमने बैंगलोर में भेज दी, और जब हम RTO चेक करने गए रिसेंटली तो हमें पता चला कि गाड़ी चंडीगढ़ में चली गई है, वहाँ पे ट्रांसफर हुई है किसी और नंबर से। गाड़ी का ये हुआ था कि मैंने बोला था यहाँ अपने मलाड़ में कि मैं जाके RTO में लेटर लगा देती हूँ, उन्होंने क्या बोला, अपने डिपार्टमेंट वाले ही थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बोला कि नहीं वो पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। मैंने बोला देखो मैं अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगा देती हूँ, क्योंकि गाड़ी मेरी मिसिंग है, कल एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो मेरे ऊपर बात आएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं आप हमें कानून मत सिखाओ, ये पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। आज अगर वो एप्लीकेशन वहाँ लगा देते तो गाड़ी नहीं जाती ना मेरी, और ये मैं RTO में खुद गई हूँ, RTO वालों ने मुझे बोला है कि आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई। मैंने बोला मैंने इसलिए नहीं लगाई कि पुलिस ने मुझे नहीं जाने दिया, मेरे जब सारे रास्ते बंद कर दिए तब मैं एडिशनल CP साहब से मिली, और उन्होंने इनके पास इंक्वायरी भेजी, यहाँ मुझे 1 महीना घुमाया पुलिस स्टेशन में, 1 महीने बाद इन लोगों ने बोला कि आप सेटलमेंट कर लो। मैंने मैडम को बोला मैडम सेटलमेंट के लिए आपके पास आया कौन, मैंने बोला जीशान आया था क्या, बोलता है नहीं जीशान नहीं आया, उसके लॉयर का फ़ोन आया। अभी आप उसके लॉयर के फ़ोन से मुझे सेटलमेंट कर रहे हो, और मैं जो 9 महीने से हैरेसमेंट हो रही हूँ वो क्या। फिर मैं DCP साहब के पास गई, तब उन्होंने मेरी मदद की, और उन्होंने 10 सेकंड में मेरा ये किया, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, और कल के कल उन्होंने बोला कि इनका गुना दाखिल करो उसका। अभी FIR हुई है बट एक्शन कुछ है नहीं, उसकी बेल का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी बेल उसने डाली है, बेल होगी। अब इसकी वाइफ है वो सो कॉल्ड वाइफ है या नहीं है, इनके फादर को भी सर मैंने फ़ोन किया, मैंने सबसे हेल्प मांगी FIR डालने के पहले, मैंने इनके फादर को बोला अंकल, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ा था कि अपने फादर की ये सुनते हैं, और हर बच्चा अपने पेरेंट्स की सुनता है। मैंने बोला कि अंकल मेरे पास उसका भी सबूत है, रिकॉर्डिंग है उसका भी। मैंने बोला अंकल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम सिंगल मदर, और मेरी मेहनत की कमाई है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, हमें नींद का भी पता नहीं है, हमें खाने का पता नहीं है, तो मेरी मेहनत की कमाई, आप इतना तो देखो कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। तो उन्होंने बोला अगर ऐसा हुआ तो हमारे असूलों के खिलाफ है, और हम लोग मैं उससे बात करूँगा। 4-5 दिन मैंने वेट किया, उनका फ़ोन नहीं आया, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने बोला आपका बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है? मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल, बात हो जाए तो आप मुझे बता देना। बोलते फिर मैंने 4 दिन बाद कॉल किया, बोलता नहीं मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने बोला अंकल फ़ोन नहीं उठा रहा तो उसकी वाइफ को कॉल कर लो। बोलता अरे उसका शादी नहीं हुआ है, तुम क्या वाई वाई बोलती हो? वो चिल्ला के फोन रख दिया। अभी वो वाइफ है या क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब आपका क्या मांगे, क्या? मेरा यही मांगे कि मैं 9 महीने से हैरेसमेंट हुई हूँ, 9 महीने मैंने पुलिस स्टेशन के, मेरा सारा काम छूटा है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, बस मैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है मैं उस चीज़ का न्याय मांगती हूँ। बस मैं DCP साहब से, एडिशनल CP साहब से, कमिश्नर साहब से मैं यही मांग करूँगी
कि मुझे न्याय मिले और हमारी गाड़ी मेरी गाड़ी वापस मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमें पेमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक डेढ़ साल पहले हमने गाड़ी दी थी जो उस टाइम पे 22 लाख की थी, अगर अब 19 लाख की 18 लाख की भी होगी हमें कोई टेंशन नहीं है, हम वो कर लेंगे फॉरफिट। बट अभी हमें हमारी सिर्फ कार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग हमें अलग अलग लोग से फ़ोन कराते हैं, अलग अलग अप्रोच करते हैं कि इनको बोलो सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, लेकिन हमें सिर्फ कार चाहिए। अगर सेटलमेंट करना है तो हमें हमारी कार दे दो, हमें कोई इशू नहीं है किसी से, ना हमें कभी FIR डालनी थी, ना हमें कुछ करना है, हमें सिर्फ कार चाहिए। हमारी कार ली थी आपने, आप वापस दे दो, सिंपल। DCP साहब के पास तो मैं इसलिए गई ना क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही थी। मैंने बहुत परेशानी में अपने बच्चे पाले, मैं 4 जोड़ी कपड़े लेके मुंबई में आई थी और हम लोगों ने मेहनत कर करके, लाइजनिंग कर करके, ये सब कर करके अपना बनाया है सब कुछ। अगर आज मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चों से बढ़ के तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना। मैंने फिर DCP साहब से मदद मांगी और उन्होंने मेरी मदद की और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन जो मेरी एप्लीकेशन थी उस पे FIR नहीं हुई है मेरी। इस बीच में कभी जीशान का या फिर उनके वकील आपको कॉल आया? नहीं, मुझे कॉल नहीं आया। वो कोई बोगस पुलिस वाला बन के कि मैं ओशिवारा से बोला, उसका भी रिकॉर्डिंग है। आपने कभी ट्राई की पीछे कॉन्टैक्ट? नहीं, वो तो अमर पाटिल साहब ने बोल दिया ना कि नहीं उसके घर नहीं जाने का, उससे बात नहीं करने का, कानून करेगा। मैंने बोला सर आप सेटलमेंट करा दो, तो बोलते मैं कानून थोड़ी हूँ, अगर आप कानून नहीं तो फिर मैं किसके पास जाऊँगा? और आप हमें क्यों फोन कर रहे हो फिर? कानून नहीं तो किस अधिकार से कर रहे हो ना? आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद उनके वकील का या जीशान जी का फोन आता तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सर अभी तो पुलिस है ना, कानून है, मैंने तो उनसे मदद मांगी है। मैं इनसे कुछ नहीं चाहती, मैं गाड़ी चाहती हूँ, उनसे मेरा कुछ वो नहीं है। मेरी गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं मुझे इंसाफ मिल जाए, मैं बस इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे किसी से दुश्मनी लेनी नहीं है। अपनी कोई फैमिली नहीं है, यही लोग फैमिली बनते हैं, यही विश्वास डेवलप होता है कि यही अपनी फैमिली। अगर इसमें विश्वासघात होगा तो आप सोचो ना किसी अच्छे इंसान की भी हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। और डिपार्टमेंट ने तो ऐसे लोग इसका साथ दिया है, तो प्रोफेशनल क्रिमिनल है पूरा। मैंने उनको सब दिया है, सब प्रूफ दिखाए, तब भी मेरा किसी ने नहीं सुना। हमसे पहले भी 1.5 करोड़ की FIR हुई है, जो उनको भी हम जानते हैं जिन्होंने की है, और उससे पहले भी इन पे FIR हुई है कोविड से पहले 80 लाख की, फिर भी सब उसका मदद कर रहे हैं। मैंने तो फिर भी सब उनका ही हेल्प किए जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपने अपनी गाड़ी दी थी उन्हें चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी जी। तो आप लोग कहाँ मिले, क्या क्या प्रोजेक्ट साथ में किए, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? बॉन्डिंग फैमिली रिलेशन बन जाते हैं ना जब आप किसी के साथ 4 से 5 साल काम करते हो, तो फैमिली रिलेशन हो जाते हैं। वो मिले थे मुझे अंधेरी, मिले थे मेरे क्लब पे, किसी ने मिलाया था उनको, तो मैंने भी देखा उनका प्रोफाइल। आजकल क्या हम किसी को जानना चाहते तो गूगल पे उस पे हम लोग चेक करते हैं कि बंदा कौन है, तो अच्छा रिस्पांस था, तो टैलेंटेड बंदा है, ऐसा नहीं। मैं आज भी बोलूँगी वो टैलेंटेड है, ये नहीं बोलूँगी कि उसने किया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं पता है। तो हमने सोचा चलो आया बंदा, साथ में काम कर लेते। काम तो अब इंडस्ट्री में हम लोग तो काम तो करना ही है ना, किसी के साथ तो करना ही था ना। हमारे गाँव से तो कोई आएगा नहीं कि हम उसके साथ काम करेंगे। काम किया साथ में, अच्छी बॉन्डिंग थी, ऑफिस पे आना जाना, घर पे आना जाना, खाना लंच डिनर साथ में, उसकी वाइफ हमेशा प्रियंका साथ में रहती थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो मतलब शक की तो गुंजाइश ही नहीं थी वहाँ पे। जब एक फैमिली बन जाती तो उसमें शक कहाँ से आता है, या फिर आप रिलेशन मत रखो किसी से, अगर शक बीच में आता है तो फिर वहाँ आप विश्वास नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं हो पाता वो। और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप दोनों ने साथ में किए? प्रोजेक्ट हम लोग मिले थे क्राइम पेट्रोल के लिए, वो हमने साथ में किया। उसके बाद हमने एक हलाल एरोज नाव पे मूवी की थी। उसके बाद एक और डॉक्टर डोन ये कर रहा था, तो उसमें भी इसने चीटिंग किया मेरे साथ, बट मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर ले, तुझे जिसके साथ काम करना है कर ले, वो भी छोड़ दिया। फिर दोबारा घूम घाम के आया यहाँ पे मेरे पास, तो समीर बोला मम्मी देख लो ना, हो सकता है दिमाग चेंज हो गया होगा, तब ये गाड़ी लेके गया है। अब ये कौन से माइंड से आया है, क्या इसने किया है पूरा पुलिस अपने। इसने मुझे एक बात और बोली थी बीच में, जब मैं मिली थी इसको मैंने बोला था गाड़ी कहाँ है, जब से लाला से बात करी तो बोलता है जवाहर पाटिल साहब के पास गाड़ी ले लो वहाँ से। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आप बताओ मैंने गाड़ी तुमको दी कि अमर पाटिल को दी है, और हमको धमकी देते हैं कि तुझे मिलना है ना, ठीक है मैं अमर पाटिल साहब के पास बैठा हूँ, अमर पाटिल, और अगर मेरे घर पे नहीं आ सकता तो मैं तेरे घर पे लेके आता हूँ। मैंने अमर पाटिल, बहुत शौक है मेरे से मिलने का। अमर पाटिल साहब को भी मैंने मैसेज डाल लिया, मिली जीशान कादरी पे बहुत मेहरबान हो रहे सर आप, क्या बात है। तो मुझे कुछ वो नहीं था, फिर मैंने मिलके भी बोला उनको,
सर आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हो, मेरा तो देखो ओशीवारा में घसीटा जा रहा है मुझे बारा, क्योंकि वहाँ उसकी पहचान थी। मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है कि अमर पाटिल साहब ने ये बोला है, जिशान को सामने ही बैठा था, फ़ोन पे बात हुई थी हमारी, उसने ये पाटिल साहब ने ये भी बोला कि आज के बाद इनको मेरा नाम लेके फ़ोन मत करना, मतलब उसने किए हैं ये उसका प्रूफ है कि उसने हमें कराए हैं, तो उन्होंने बोला आज के बाद मेरा नाम लेके तो फ़ोन नहीं करेगा इनको कि मैं पाटिल साहब को मिलाता हूँ, ये कराता वो कराता हूँ। तो जैसा कि आपने बताया 9 महीने से आप पुलिस स्टेशन दौड़ रही थी, तो ये एक तरह का पुलिस पे पड़ रहा दबाव है जो आपको साथ नहीं दे रहा था जी, बोल सकते हैं कि पुलिस पे दबाव, मैं क्या बोलूं, आप पुलिस पे दबाव पड़ा होगा किसी ना किसी तरीके से, जो हमारी एफआईआर नहीं ली गई, जो कि एक चोरी का केस बनता है, जो एक हरासमेंट का केस बनता है, बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं, मुझे उसका नॉलेज नहीं है। तो अभी तक अगर 9 महीने तक हम लोग ने एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा उन पे। और इसने ओशीवारा में कुछ मुझे अभी 10 से 15 दिन पहले बुलाया था ओशीवारा में, वहाँ पे इसने एक एनसी करके रखी है कि इसके अंडरवर्ल्ड से इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट हैं इसके, और ये मुझे ये रेप केस में फंसाएगी, मुझे ये करेगी। अगर मेरे अंडरवर्ल्ड से कॉन्टैक्ट होते तो क्या मुझे 9 महीने लगते हैं एफआईआर कराने में? क्या पुलिस वाले सुनते नहीं? मेरा तो 9 सेकंड का काम था अगर मेरे पॉलिटिशियन से और अंडरवर्ल्ड से मेरे कॉन्टैक्ट होते। मतलब इसने क्या नहीं किया अपनी तरफ से, इसने पूरा ऐसा करके रखा है, मुझे डब्बे में बंद करके रख दिया। तो बीच में जब औरतें क्या कर सकती, जब हम इनसे पैसे मांगते थे फ़ोन कर करके, तो उसके चक्कर में इन्होंने एफआईआर डाली, सॉरी एप्लीकेशन डाली थी कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, जबकि मैंने इनको पैसे दे दिए हैं। तो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं किसने क्या दिया, लेकिन फिर भी उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया था क्योंकि अमर पाटिल साहब वहाँ पे बैठे थे, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है, और उसका कोई रीज़न नहीं है। और उन्होंने डाला है हरासमेंट कर रहे हैं, मेरा मुझसे पैसे मांग रहे हैं, जबकि मैंने उनको पैसे दे दिए और उनकी तरफ से हमें कुछ नहीं आया। तो ये एप्लीकेशन भी मेरे हिसाब से कुछ है नहीं उसमें, और उसमें पता नहीं कितनी सारी धाराएँ लगाई हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार हैं, और क्या बोलते हैं, अब लोगों में कौन आता है, मैं और मेरे 2 बच्चे, हम लोग क्या कर सकते हैं? एक औरत जो 4 जोड़ी कपड़े मुंबई में लेके आती है वो क्या कर सकती है? मैं फैमिली लेके बैठी हूँ, मैं तो फैमिली के लिए तो मुझे वो रहना पड़ेगा ना, मैं यहाँ काम करने आई हूँ कि मैं यहाँ लोगों के मर्डर करने या गुंडागर्दी करने आई हूँ? जब एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत लंबा प्रोसेस चला गया है अभी, अभी जो केस है वो फिलहाल क्या ओशीवाला में ही है या फिर मलाड में आपने शिफ्ट किया है, और अभी क्या चीज़ें आप कर रही है, और क्या फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपकी किसी तरह से मदद कर रहे हैं या आपके है ना फेडरेशन में? नहीं, मेरा केस मलाड में है, क्योंकि मैं विशाल ठाकुर जी के पास गई थी, तो मेरा जो थाना है मलाड लगता है, मैं मलाड में मेरा केस है। पुलिस की तरफ से अभी मेरा कुछ है नहीं, मतलब मुझे कुछ वो मिला नहीं है, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं अभी मेरे किसी से कोई बात नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रही। और जो उनके फ्रेंड्स हैं जैसे अनुराग कश्यप की बात करें या फिर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेके जो एक्टर्स है, क्या उनसे कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की आपने उनको? नहीं नहीं, मैंने नहीं की। जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ जिशान कादरी को, जब हमसे वो मिले थे तब उनके ऑलरेडी अनुराग कश्यप जी से कॉन्टेक्ट टूट चुके थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हमने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हमारा मतलब तो जिशान से था, हमारी गाड़ी वो लेके गया था, तो हमें हमारे उनको बेचारों को हम लोग क्यों वो करें परेशान। इनका सवाल था कि फेडरेशन से आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की, क्योंकि फेडरेशन अपना होता है, यूनियन 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 अपना है, वहां कहीं कुछ इंडस्ट्री की बात है हमारी। यूनियन में मेरे पहचान के हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये जो कंप्लेंट है पैसे की मुझे दे दो, लेकिन कार की तो वहीं जाएगी, थाने में जाएगी। अगर कुछ वो आगे शूट करें या कुछ भी करें तो वो उनका वो हैंडल करेंगे, लेकिन कार का जो है वो पुलिस केस बनता है। क्योंकि आज आपसे क्या है, कल किसी और से भी कर सकते हो जी, हमसे पहले भी किया हुआ है उन्होंने, हम हाँ जी जी, इसलिए फेडरेशन वगैरह अपनी कंप्लेंट वगैरह की। अभी कम से कम 50 लोग तो मेरे मतलब बात किया है कि हमारे पैसे हैं, हमारे 50 लोगों के तो मुझे बात हो चुकी है। पुलिस वालों का सपोर्ट अभी क्या कह रहे हैं वो? अभी तो कोई सपोर्ट है नहीं, बट एफआईआर हुई है, अभी देखो क्या होता है। गाड़ी कब तक मिलेगा? कुछ उसके कुछ कुछ क्लियर नहीं, कुछ क्लियर नहीं है, जो भी है अभी स्टार्ट ही हुआ है। कल गजरे साहब ने मुझे बुलाया था, तो मैंने उनको बोला सर आगे क्या, तो उन्होंने बोला कि अभी देखते हैं, उसने एंटी सप्रीट बेल के लिए डाला हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बस इतनी बात हुई। जिन लोगों के पैसे हैं आपको सपोर्ट करने नहीं, मुझे सपोर्ट देखो उनका मैटर है, वो जाने जी, कुछ लोग हैं बस जिनके मेरी नॉलेज में है, वो लोग नहीं आना चाहते सामने, वो सामने नहीं आना चाहते, कुछ लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं अभी, और कुछ लोग हैं जो दूर दूर से हैं, बट हाँ सपोर्ट में तो हैं कुछ लोग।
ये चेक्स हैं जो उन्होंने दिए हैं और डेट देखो उन पे क्या है, डेट है जूम कर रहे हो डेट क्या समीर इसकी एक गाड़ी के अवैध आपको चेक दी होगा राइट जी ये डेट देख इसमें क्या है 9/11/21 आप ये जनवरी की वीडियो है मैं आपको शो करती हूँ छोटी सी है जो इसने खुद से कबूला है ये आरसी है ये आरसी है हमारी कार आरसी ओरिजिनल आपकी होगी ना जी नहीं ओरिजिनल कार में ही रखते थे हम लोग तो साथ में ही लेके गया उसने बोला कि अगर अगर कोई पुलिस वाला अगर पकड़ ले तो फिर ये अभी इस नंबर पे गाड़ी जो आरटीओ से मिला है वो इस नंबर पे ट्रांसफर हो चुकी है कार का वीडियो है हाँ कार का फोटो वीडियो हो जाए मिल जाएगा हाँ पेपर दिखा दीजिए पहले अभी कैमरा से ले लो फिर वो वीडियो भी मिल जाएगा ठीक है और कुछ पेपर भाई हाँ एक एफआईआर है अगर आपको चाहिए तो जो 1.5 करोड़ की है उनके ऊपर ऑलरेडी केस चालू नहीं ना अपना अपना हम अपना नहीं जो धमकी आती है उसकी एनसी की हुई है मैंने वो सब देखा जी हां वो देखा ऐसा ऐसा पैराग्राफ पुलिस ये एनसी की थी जो फेक कॉल आए थे पुलिस से ये हम लोग ने ओशिवारा में एनसी की थी मैं वो वीडियो दिखाई ना ये वीडियो जनवरी नहीं उसका मैं बाइक दिखा रही हूँ ना उसने कबूला कि इतना पेमेंट देना है ये उन्होंने अपने मुंह से बोला है वीडियो में कि मुझे 24 जनवरी 2022 का है फरवरी को दे रहे हो आप और 31 मार्च को 10 लाख दे रहे हो राइट ठीक है थैंक यू हलाल जो कीजिए चलो ये वीडियो बना लो एक बार बना लिया भाई हां ठीक है गाड़ी की वीडियो दिखा गाड़ी का फोटो दिखा गाड़ी का फोटो दिखा देते हैं कली कली दिखा रहे हैं थोड़ा आगे से भी दिखा आगे है फोटो उसका फ्रंट फ्रंट वाला फ्रंट वाला देखना ये है फ्रंट फ्रंट देखो ये आपको दिख पाएगा कि नहीं दिख जाएगा हां दिख सकते हां चक्रोस है कि ना ग्लेयर आ रहा है हां सही सही थैंक यू ओके थैंक यू सर थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट मैम थैंक यू वर्क इन जल्दी मिल